Happy morning to all. Now, self-practice 10F का हम question number 3 जो है वो अब start कर रहे हैं. So, self-practice 10F का question number 3 जो है वो है, a flight is supposed to start at 1110 hours and reach its destination at 1350 hours. देखो, पहले टाइम में क्या बोला है उसने कि एक flight है जिसको start होना था, supposed to be started at 1110 hours. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पहले कि 1110 hours पर उसको start होना था. ना उसका अराइवल टाइम कितना था, मतलब उसको डेस्टिनेशन पे कब पहुंचना था, दैट इज 1350 आज तक पहुंचना था. ना नेक्स्ट टाइम पे क्या बोल रहे हो, इफ इट स्टार्ट्स 15 मिनट्स लेट, मतलब अगर वही फ्लाइट 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई है तो एंड अराइव्स 19 मिनट लेट, अगर वो लेट शुरू होगी तो लेट पहुंचेगी भी. तो जब वो लेट स्टार्ट हुई है तो जहाँ पे उसका अराइवल टाइम रहेगा वहाँ पर भी वो लेट जाएगी. ठीक है ना, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचने में उसे कितना टाइम लगा. ठीक है, चलो सबसे पहले हमने लिख लिया कि उसने 15 मिनट लेट पहुँची, मतलब 15 मिनट वो क्या हो गया वहाँ से लेट निकली जहाँ से फ्लाइट को डिपार्चर करना था. तो हमने 15 मिनट्स जो हमें गिवन टाइम है उसमें हमने 15 मिनट्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया. 15 मिनट्स ऐड करने के बाद मुझे टाइम क्या मिला, 11:20 का. ओके ना नेक्स्ट इसमें अराइवल टाइम कितना था उसका, 1350 आवर्स था, बट वहाँ पे भी वो 19 मिनट लेट पहुँची, मतलब मुझे यहाँ पे 19 मिनट्स में क्या करना पड़ेगा, उसमें ऐड ऑन करना पड़ेगा. जब मैंने इसमें ऐड किया तो यहाँ पे मिनट में मुझे 69 आया. यू नो वेरी वेल कि जब भी अगर 60 से बिगर नंबर मिनट में आ जाए तो हम 1 आवर जो है वो नेक्स्ट आवर में ऐड कर देते हैं. तो मैंने यहाँ पे 60 को माइनस करा और यहाँ पर ऐड कर दिया, 1 आवर को ऐड करा. सो टोटल टाइम कितना उसका, अराइवल टाइम कितना मिला मुझे वहाँ पे, 1409 आवर्स मिला. ना अब मुझे ये पता करना था कि टोटल उसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है. ठीक है, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू फाइंड इट आउट दिस. तो मैंने क्या करा, इस टाइम में से इस टाइम को हमें क्या करना है, माइनस करना. आई नोटेड डाउन लाइक दिस. अब जब भी सब्ट्रैक्शन करते थे यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे 25 है. ठीक है, एंड यहाँ पे 9 है. सो बिगर नंबर अगर नीचे आ गया तो हम 1 आवर को क्या करते हैं, कैरी लेते हैं. मैंने यहाँ से 1 आवर जो है वो कैरी लिया. तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 और 60 मिनट्स मैं ऐड करूँगी तो दैट इज 69 11 25. ओके, तो 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0. तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 2 आवर 44 मिनट्स. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, रीड करते हैं. दिवाकर वॉज एट फुटबॉल फील्ड फॉर प्रैक्टिस फ्रॉम 11:45 AM टू 3:15 PM. देखो, दिवाकर एक लड़का है जो अपने फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर जाता है. तो वो कब से कब तक जाता है, वो मॉर्निंग में 11:45 AM से नून में 3:15 PM तक के वहाँ पर रहता है. ठीक है ना, फॉर हाउ लॉन्ग वॉज ही इन द फील्ड, कितने टाइम तक के लिए वो फील्ड में था. ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसमें से इस टाइमिंग में से इसको माइनस कर देंगे. बट यहाँ पे एएम और पीएम आ रहे हैं तो हमें पता है कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो पहले टाइम्स को हम 24 आवर क्लॉक में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं. सो सबसे पहले हम इसे 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे. नाउ दैट इज पीएम, उसमें 12 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. सो दैट इज 3:15 है ना, इसे हम 12 आवर्स को ऐड कर देंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, 15 3 प्लस 2 5 1, तो दैट इज 1515 आवर्स. दिस इज द टाइम. नाउ अब हम इसमें से सब्ट्रैक्शन लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इसे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए एम मतलब 12 AM तक का जो टाइम है वो एज इट इज निकल जाता है 24 आवर क्लॉक में, बस अभी हम एम हटा के आवर्स लिख देते हैं. ठीक है ना, 15 15 दैट इज 15 15 11:45. ओके, इसको माइनस करना. बट अगेन यहाँ पे 45 क्या आ गया हमारे पास, दैट इज बिगर और ये क्या आ गया स्मॉलर. हमें वापस से 60 मिनट को क्या करना पड़ेगा, 15 में ऐड करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा, 14
Now that is 75, 11, it is 45. Subtract करके 550, 7 minus 4, 3, now 4 minus 1, 3, 1 minus 1, 0. So total time जो feet पर रहता है वो कितना रहता है? That is 3 hours 30 minutes he is on the feet. ठीक है? So this is the question number 4 of self practice 10. Now question number 5. Question number 5 पढ़ने में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट. जो गिवन है अगर वो आप लिख लो तो बहुत इजी हो जाता है. चलिए सबसे पहले इसमें लिखा है मानसी कंप्लीटेड अ 500 पीसेस जिग-सॉ पज़ल इन 3 आवर्स 40 मिनट्स. जिग-सॉ पज़ल, दिस इज़ अ काइंड ऑफ पज़ल. हम लोग पज़ल वाला गेम खेलते हैं ना जिसमें हमें पज़ल्स जमाने रहते हैं, उससे पिक्चर्स बन जाती है, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ पज़ल गेम. तो मानसी को गेम को कम्प्लीट करती है 3 आवर्स 40 मिनट्स में. मैंने अपने नोट डाउन कर दिया, दैट इज 3 आवर 40 मिनट्स में वो गेम उसने कंप्लीट कर लिया. ओके नाउ नेक्स्ट, मेघना टुक 55 मिनट लेस देन मानसी टू कंप्लीट द सेम पजल. अब नेक्स्ट टाइम उसने क्या बोला है, मेघना मानसी से 55 मिनट्स कम लेती है. तो मानसी ने कितना टाइम लिया था? 3 आवर्स 40 मिनट्स लिया था. हम उसमें से 55 मिनट को माइनस कर देंगे. तो जब हम 55 मिनट को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 2 आवर्स 45 मिनट. आप इसे माइनस करना, आंसर यही आएगा. ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम. ठीक है, अब देखो मैंने इस क्वेश्चन में लाइन वाइज लाइन, मतलब जैसे जो गिवन है उसको मैं वहीं पे लिखते चली गई, और हमने जहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने लिख ली, सेकेंड लाइन में सॉल्व करने की जरूरत थी, आई हैव सॉल्व ओवर हियर. ना अब थर्ड लाइन में क्या बोल रहे हो, अमृता टुक 1 hour 35 minutes मोर देन. मोर देन मतलब ज़्यादा, मतलब क्या होगा, उससे ज़्यादा टाइम लगे. किससे? मेघना से. तो मेघना को टोटल टाइम कितना लगा था वही सेम पज़ल को सॉल्व करने में? 2 hours 45 minutes. ठीक है, अब अमृता को उससे 1 घंटा ज़्यादा लग गया, तो अब हमें इस टाइम में क्या करना पड़ेगा, 1 hour 35 minute को ऐड करना होगा. ठीक है चलिए, अब हमने इसको ऐड किया, 1 hour 35 minutes प्लस 2 hour 45 minutes. जब हम इसको ऐड करते तो मिनट के इसमें मुझे 80 मिलता है. ठीक है, दैट इज मोर देन 60. तो हम उसमें से 60 माइनस करके 1 hour को आर वाले कॉलम में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो टाइम क्या हो जाएगा, 4 hour 20 minutes. तो मतलब उस टोटल पजल को सॉल्व करने में अमृता को 4 hour 20 minutes लगे. ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दैट इज अ ट्रेन लीव्स दिल्ली एट 7:30 AM. मतलब एक ट्रेन है जो दिल्ली से चल रही है वो 7:30 AM पे निकल जाती है, मतलब मॉर्निंग की 7:30 AM. ठीक है, एंड रीचेज मुंबई. मुंबई पहुंचती है नेक्स्ट डे, मतलब आज सुबह 7:30 बजे निकली है, कल के भी सुबह 7:30 बजे होगी, और फिर उसका नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे उसी, मतलब जैसे आज निकली और कल का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे पहुंचती हूँ 1:20 PM, मतलब दोपहर के 1:20 पे. आज सुबह 7:30 बजे चली, कल दोपहर 1:20 पे वो वहाँ पहुँचेगी. फाइंड द टाइम टेकन बाई द ट्रेन टू रीच मुंबई. अब हमें मुंबई जब पहुँची है तो उसका टाइम जो है हमें फाइंड आउट करना है. सो अभी मतलब फाइंड आउट पहले दिल्ली 7:30 AM से निकली. ठीक है, मुंबई कितनी बजे पहुँचना है उसको, 1:20 PM नेक्स्ट डे. तो फर्स्ट डे का 7:30 AM, फिर सेकेंड डे का 7:30 AM, मतलब आज के सुबह 7:30 से कल के सुबह 7:30 में 24 घंटे हो जाएंगे. ठीक है, ये 24 आवर्स हो गए, इसको अलग कर दूँ, दैट इज मैंने यहाँ पे अलग कर दिया. नाउ अब हमें टाइम जो कैलकुलेट करना है मेजरली वो 7:30 से 1:20 PM के बीच का टाइम कैलकुलेट करना है कि इतना डिस्टेंस कितना हो. तो अभी हमें 7:30 AM है, यहाँ पे 1:20 PM. मैं मैनुअली कैलकुलेट करूँगी तो बहुत ज़्यादा मुझे कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा. हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं 7:30 से 8:30, 9:30, 10:30, फिर 11:30, 12:30 एंड देन 1:30. ठीक है, सो टोटल यहाँ पे 1:30 में जैसे 6 आवर्स हो रहे हैं, तो मैनुअली कैलकुलेट करने में क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रही है. ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, अगर हमें एक्यूरेट टाइम चाहिए तो 1:20 PM दिया हुआ है, इसे 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करेंगे. PM है, दैट मीन्स मुझे 12 क्या करना है, ऐड करना है.
तो हमने 12 ऐड करा तो आंसर कितना आ गया 1320 आवर्स. नाउ 1320 आवर्स में से 730 एएम को माइनस करूंगी तो यहाँ पे देखो 30 नीचे बिगर है और 20 स्मॉलर है, तो हम एक आवर जो है कैरी लेंगे तो यहाँ पे 80 हो जाएगा. नाउ दैट इज 60, 8 माइनस 3 5, 2 माइनस 7 जो होगा हम कैरी लेंगे तो दैट इज 12 माइनस 7 दैट इज 5. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हुआ 5 आवर्स 40 मिनट. नाउ अब 24 और 5 आवर 40 मिनट्स को हम ऐड कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि दिल्ली से मुंबई जाने के लिए टोटल टाइम उस ट्रेन ने कितना लिया. सो दैट इज 24 प्लस 5 आवर 50 मिनट. ठीक है ओके. नाउ तो कितना टाइम लिया दैट इज 29 आवर्स 50 मिनट उसने टोटल टाइम जो है वो लिया है ट्रेनिंग ऑप्शन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रैक्टिस 10 एफ. अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ प्रैक्टिस 10 जी जो है वो डिस्कस करेंगे. 10 जी एंड 10 एच हमारी कोई एक्सरसाइजेस बाकी है. टिल देन गुड बाय एवरीवन.